pace on the track. Got my face in the back like I'm taking a slap. I need a drink, but it's straight from the tap. And I'm hating the slack. Couple man slide around like the hate in the gaff. Please stop talking that trash, cause the vibes in the front all the way to the back. What's up my YouTube family, welcome back on the vlog. So guys, अगर आप मेरे चैनल पे जब वीडियो को लाइक करो तो कमेंट करो, चलो सब्सक्राइब करना मत भूलना. सो गाइज वेरी गुड मॉर्निंग. और आज जो है हम लोग ये वाली बाइक का काम करने वाले, तो अभी इसका पूरा वायरिंग का इशू है जो हम लोग को सॉल्व करना. तो पूरी बाइक को भी ओपन कर लेते हैं. एंड इसका जो है मेन प्रॉब्लम ये है कि बाइक स्टार्ट होते ही बंद हो जा रही है. आई डोंट नो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम. तो इसको खोलते देखते कहीं पर वायर बॉडी में टच हो रहा है कि नहीं. तो थोड़ा टाइम लग देते. तो गाइज आपको इशू बता देता हूँ क्या है. जब हम लोग यहाँ पे सेल्फ मार के देख रहे हैं, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होगी. एंड यहाँ पे लीन एंगल सेंसर भी आप लोग, अगर लीन एंगल सेंसर भी मैंने प्रॉपरली लगाया तो अगर लीनिंग का कोई प्रॉब्लम हो तो चालू हो जानी चाहिए थी. देखते हैं अभी इसका पूरा वायरिंग खोल के चेक करते हैं क्या इशू है इसमें. एज ऑफ नाउ वायरिंग का इशू पूरा सॉल्व हो चुका है, आप लोग को बताता हूँ मैं. नो चेक लाइट, मतलब चेक लाइट्स अभी आ ही नहीं रही है. एक्चुअली इस बाइक में मेन प्रॉब्लम क्या थी, ये बाइक बहुत दिन से खड़ी हुई थी. एंड यू एज यू गाइज ऑल नो कि इस वायर में जो है रस्टिंग, मतलब जो अपने कनेक्टर्स होते हैं उसमें रस्टिंग का प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाता है. तो सारे वायर्स खोल के हम लोगों ने जस्ट इसमें ऑयल लगाया. अभी हम मार्केट जाएंगे, WD-40 लेंगे और जितने भी सारे कनेक्टर्स हैं ना, मतलब जो सॉकेट्स है, सब में WD-40 मारेंगे और बाइक जो है तब स्टार्ट हो जाएगी. अभी भी स्टार्ट है बाइक, आप लोग को बताता हूँ. बट एक जस्ट फॉर प्रिवेंशन हम लोग को WD-40 मारना है इसमें. अभी आप लोग को बताता हूँ कि एक सेल्फ बाइक स्टार्ट हो जाएगी. तो गाइज आपने देखा कि क्या इशू था. एक्चुअली हम लोगों ने सारी वायरिंग खोली, आपने देखा बहुत सारी जगह पे कट्स थे. तो हम लोगों ने यहाँ पे जो है वायर टेप लगाया और जहाँ जहाँ पे बोल सकते हो कि देखो पूरी वायरिंग खोल दी थी. क्योंकि क्या हुआ कि ज़िपटाई की वजह से भी वायरिंग पे जो एक फोर्स आ रहा था, मेरे ख्याल से बहुत जगह से वो भी कट गया था. तो हम लोग ने उसको टेपिंग कर दिया, मतलब मेरे फादर ने. एंड इसका जो है इशू मेन, ये जो इस गाड़ी का सबसे बड़ा इशू है ना, वो इसके कनेक्टर्स. तो कनेक्टर्स सारे इसके लूज़ है, ये सब वायर देख रहे हो सारे लूज़ है. तो कभी कभी क्या हो रहा है कि करंट छोड़ दे रहा है. सो गाइस यहाँ पे मैंने छोटा पैकेट बड़ा धमाका लाया है, यानी ये WD-40 है. और जितने भी जगह पे रस्ट होगा ना, मतलब जितने भी पॉकेट्स में रस्ट होगा, यहाँ पे आपको दिखाता हूँ मैं. तो ये जितने भी सॉकेट्स है जिसमें रस्ट होगा उसमें हम लोग ये WD-40 मार देंगे तो क्या अगर रस्ट निकल जाएगा. एक्चुअली क्या है, इसमें मेन जो इशू था ना वो रस्टिंग का ही था, क्योंकि सारे सॉकेट्स में जो रस्ट पकड़ लिया था. सो गाइस अभी ना हम लोग सारे सॉकेट्स खोलते और साथ में ECU खोलते, रेक्टिफायर खोलते और उसमें जो है WD-40 मारते. तो ये सारे सॉकेट्स हम लोगों ने खोल लिया. और मेनली हुआ क्या था, इसमें सारे में रस्टिंग लग गया था, उसके वजह से ECU का जो करंट छोड़ दे रहा था. एंड यहाँ पे भी सारे चीज़ में देख रहे हैं आप, रस्टिंग हुआ है. इसमें स्प्रे मार लेते हैं. ऐसे हम लोगों ने सारे सॉकेट पे WD-40 मार दिया. अभी क्या करते हैं, थोड़ी देर वेट करते हैं, अच्छे से WD-40 को उसका काम करने देते, उसके बाद पूरी बॉडी को फिक्स करते और फिर आगे का वीडियो कंटिन्यू करते.
फाइनली गाइस थोड़ा थोड़ा करके पूरी बॉडी किट का जो है फिटिंग हो चुका है। आप लोग कमेंट करके बताओ कैसी लग रही है पूरी कंप्लीट बाइक। अभी तो इसमें स्टिकरिंग भी बाकी है। जो अपना मेन प्रॉब्लम था वो आज हम लोग ने पूरे दिन में सॉल्व कर दिया, वो था वायरिंग का। आप लोग को मालूम है जब फ्रॉम द डे वन जब से ये बाइक आई है इसमें वायरिंग का इशू बहुत ज़्यादा था। मतलब बाइक स्टार्ट होते ही बंद हो जा रही थी। आपको मैंने एरर्स भी बताए थे कौन सा एरर आ रहा था, बट डैड ने हेल्प की इसमें। तो पूरा कम्प्लीटली देख सकते हो कि वायरिंग का पूरा प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो अभी कोई एरर साइन नहीं है। और जो मेन मुसीबत थी ये बाइक को, मतलब इतने दिन से हम लोगों ने रोक के रखा था इसको, थोड़ी देर के लिए होल्ड पे रखा था, तो यही दिक्कत थी कि इसमें जो है वायरिंग के इशूज़ थे। नाउ वायरिंग इशूज़ हैव बीन सॉल्व और अभी जो है पूरी बाइक को हम लोग तैयार करेंगे, सीट कवर लगाने जाएंगे एंड कल जो है स्टिकरिंग पूरी बाइक पे कंप्लीट हो जाएगी। और आप लोग कमेंट करके बताओ कैसी लग रही है पूरी कंप्लीट बाइक। अगर अच्छी लग रही होगी तो लाइक कर दो, शेयर कर दो। सो गाइस सिनेमैटिक्स कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। तो अभी मैं बाइक का रिस्पांस बताता हूँ कि एक सेल्फ में क्या बाइक स्टार्ट होती है कि नहीं। देखा, और यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं देख सकते आपके, प्रॉपरली एक जगह पे आइडलिंग करिए बाइक। सो गाइस आपने देखा किस तरीके से, मतलब एक ही सेल्फ में स्टार्ट हो गया, एकदम हेल्दी स्टार्ट था ये। और बाइक जो आइडलिंग भी बराबर कर रही थी अपने आरपीएम पे, ना फ्लक्चुएट भी नहीं हो रहा था आरपीएम, तो एकदम प्रॉपर वे में बाइक जो है इंजन का मतलब जो रिस्पांस आ रहा था। और वायरिंग भी सारी चीज़ें हम लोगों ने सॉर्ट आउट कर दी है। अभी क्या करेंगे, गाड़ी को फुल कम्प्लीटली पैक करते, फ्रंट की सीट लगाते, पीछे की सीट लगाते। और गाइस साथ ही में इसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप के हम लोगों ने ऑल्टरेशन किए, वो भी मैं आप लोगों को आगे जाके बताऊंगा। मतलब जब ये पूरी बाइक रेडी हो जाएगी उस टाइम मैं पूरा एक डिटेल वीडियो बताऊंगा जिसमें आप लोगों को मैं सारी एक एक चीज़ स्पेसिफाई करके बता दूंगा कौन सी चीज़ मैंने इंस्टॉल की और उसकी क्या कॉस्ट आएगी। एंड ये पूरी बाइक जो है ना बेस्ड है रेक्सा 2.0 पे, हम लोगों ने सेम उसी तरीके से इसको जो है फुल कलर किया है। तो आपने देखा था कि उसमें हम लोगों ने जो इसको रैप किया था, बट इस टाइम हम लोगों ने इसको कलर किया है। तो आप देख सकते हो पूरा पेंट है ये, और उसके वजह से ना एकदम प्रॉपर लुक आ रहा है इसका। तो अभी एक बार पूरी बाइक फिट हो जाएगी, उसके बाद पॉलिश हो जाएगी, उसके बाद जो है अपना स्टिकर लग जाएगा, उसके बाद इसका जो है लॉन्च वीडियो मैं लाऊंगा। तब तक के लिए प्रोजेक्ट को हम लोग जो है होल्ड पे रख देते हैं। तो गाइस जैसा आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और आज की इस वीडियो में हम लोग ने जो है ना कंप्लीट बाइक का वायरिंग किया और साथ ही में पूरी बॉडी किट इंस्टॉल की। तो हम लोग का जो मेन मुसीबत थी ना वायरिंग की, अभी बाइक की सॉल्व हो चुकी है। और अब बाइक में जो है कल स्टिकरिंग हो जाएगा, उसके बाद बाइक का इसी तरीके से सारा काम कंप्लीट हो जाएगा और बहुत जल्द वो बाइक को अपने लॉन्च कर देंगे। उसी के साथ में जो बॉम्बे से बाइक आई थी अपने दर्शन भाई की, उसका भी जो है कल से पेंट स्टार्ट हो जाएगा, तो उसका भी आने वाले एक दो दिन में आपको ब्लॉग में देखने मिल जाएगा। और सिविक का भी मैंने जो है थोड़े दिनों में अपडेट कर दूंगा, क्योंकि अभी जो है थोड़े बहुत सामान आने बाकी है। तो जैसे सामान आएंगे वी विल रेडी टू मेक द वीडियो ऑन सिविक। तो करते हैं इस वीडियो में एंड, मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए पता ना क्या करना है, लाइक कमेंट सब्सक्राइब। पीस आउट।